आपको जो हो पारी तो सेन जो है एक फेमस कलाकार हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो पहला प्रश्न जो उनसे संबंधित बनता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है पारी तो सेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो था 1918 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जो क्या है पूर्वी बंगाल है। पारितोष सेन ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो इन्होंने जो है शिक्षा जो थी कहाँ से ली थी, तो इन्होंने शिक्षा जो ली थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से ली थी। पारितोष सेन ने पेरिस जाकर किस फ्रांसीसी कलाकार से चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, यानी इन्होंने यहाँ से जाने के बाद ये कहाँ चले गए थे, पेरिस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने शिक्षा जो है कहाँ से ली थी विदेश में, तो पेरिस होगा या फ्रांस होगा। फिर है कि किससे ली थी, तो इन्होंने ली थी आंद्रे लोहात से। किससे ली थी, आंद्रे लोहात से जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है पारितोष सेन ने चित्रकला का परीक्षण लेने कहाँ कब गए थे, यानी ये जो है किस वर्ष जो थे चित्रकला का में ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। तो ये गए थे 1949 को। अगला है पारितोष सेन का संबंध किस कलाकार समूह से है, यानी किस जो समूह जो है उससे संबंधित है। तो ये जो है कलकत्ता ग्रुप जो था 43 उससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1949 में कला अध्ययन के लिए पारितोष सेन की मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से हुई थी, यानी इनकी जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे उनसे इनकी मुलाकात हुई थी कब, जब ये पेरिस में जो है ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। तो इनकी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी आपकी पाब्लो पिकासो से। पारितोष सेन चित्रकारी के अलावा और किस में रुचि रखते थे, यानी चित्रकारी के अलावा जो है इनकी रुचि किस चीज़ में थी। तो इनकी जो रुचि थी वो लेखन में भी थी। पारितोष सेन को मद्रास कला महाविद्यालय में किस कला शिक्षक का सानिध्य प्राप्त हुआ था, यानी इन्हें जो है किसकी से शिक्षा ली थी इन्होंने कहाँ पर, मद्रास कला विद्यालय में। तो इन्होंने जो ली थी वो या किस टीचर के निर्देशन में रहे थे, तो ये रहे थे डीपी राय चौधरी के। ठीक है, जो ये डीपी राय चौधरी हैं ये क्या हैं, मूर्तिकार हैं। क्या हैं, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। आगे चलते हैं। पारितोष सेन ने अपने चित्रों का की प्रथम एकल प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ आयोजित की थी और किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो इनकी जो थी एकल प्रदर्शनी जो थी वो 1941 में, कब 1941 में, 1941 में जो है आयोजित की गई थी। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।